Everyone, Neha here. So, in the last videos, we have completed exercise five point one, and now we have to start chapter five, lines and angles, exercise five point two. So, before starting the exercise, first we will learn some of the terms used in this exercise. First, parallel lines. What are parallel lines? टू लाइन्स दैट टू नॉट मीट एट एनी पॉइंट वो टू तो लाइन्स जो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती है इफ़ वी विल एक्सटेंड दैट लाइन्स ऑल्सो दैन ऑल्सो लाइन्स विल बी नॉट गेट मीट अगर हम उन लाइन्स को एक्सटेंड करेंगे ठीक है आगे बढ़ाएंगे तब भी वो किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती हैं दैट आर नोनर्स पैर लाइन्स वो क्या कहलाती हैं पैर लाइन्स कहलाती हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकिंग टू लाइन्स ए बी एंड सी टी हमने दो लाइन्स ली हैं ए बी और सी टी अब इन लाइन्स को अगर हम एक्सचेंज करेंगे वी केन एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस लेकिन वेन वी विल एक्सटेंड वी विल फाइंड आउट दैट इट विल नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट जब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे वो किसी भी पॉइंट पर हम कितनी भी उसे एक्सटेंड करें वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे ओके सिमिलरली वी हैव टेकिन टू मोर लाइन्स पी क्यू एन आर एस अब इन लाइन्स आप ये भी एक पैलर लाइन्स है आप कितना भी इसे एक्सटेंड करेंगे ठीक है यू विल एक्सटेंड फॉर बोथ साइड बट यू डीज लाइन विल नॉट गेट मीट एट एनी पॉइंट इट मीन्स डीज टू लाइन्स आर ऑल्सो कैट पैर ओके चलिए और जो नॉन पैलर लाइन्स होती हैं वो अगर आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो वह एक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक ये लाइन ली और एक लाइन ली हमने ऐसे ली ये दो लाइन्स ली और हम इन्हें एक पॉइंट ऐसा आएगा हम आगे इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो ये किसी पॉइंट पे मीट कर जाएंगे ओके okay? so जब वो मीट कर जाएंगे lines, so हम कैसे करते हैं? ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है लिखने का फॉर एग्जाम्पल दीज टू लाइंस। एंड पैर तो हम इसे क्या लिखेंगे ए पी पैलर है सी डी की ये इसका सिंबल है शॉर्ट फॉर्म ओके सेम वी वी कैन राइट पी क्यू लाइन पी क्यू लाइन

टू या टू से ज्यादा पैर लाइन्स होती हैं और उन्हें लाइन्स कोई एक लाइन कट करती है ठीक है एक लाइन कटेगी कट करेगी या एक से ज्यादा कट करेंगी दैट आर नोन एज ट्रांसवर्सल हम उन्हें क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल हम उन्हें ट्रांसवर्सल बोलते हैं ओके तो वाटर ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल क्या होते हैं ट्रांसवर्सल्स ट्रांसवर्सल लाइन्स को टू या टू से ज्यादा पैर लाइन्स हो सकती हैं उन्हें जो लाइन कट करेगी That Are known as transversals. Okay, so suppose I have taken two parallel lines AAB and CD. Okay, so now suppose there is one line transversal that is skirt two parallel lines, it means L is a.

हमारे पर टू पहला लाइन है एम एन एन और इसे कहते कट करिए एक लाइन कट करिए पी जो इसे क्या कहलाती है इसका ट्रांसवर्सल अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल में आप देखिए हमारे फोर एंगल्स बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म द ट्रांसवर्सल of uh, in two parallel lines when a transversal cut two parallel lines then how many angles are formed taking angles four angles you and four angles are formed here five six seven eight and here one two three four it means total how many angles are formed by a transversal when two lines are cut by a transversal eight okay okay now we will learn about the some terms used in this exercise the angles that are formed by this transverses. So first we are learning about alternate exterior angle. पहले हम exterior angle पढ़ते हैं What are exterior angle? Exterior angle किसे कहते हैं Exterior angle का मतलब है ये जो आपकी दो lines हैं ठीक है ठीके? इन दो lines के बाहर वाला जो reason होगा बाहर वाले की जो रीज़न होता है उसे हम एक्सटीरियर बोलते हैं और अंदर का रीज़न जो होता है दैट आर नोन एज इंटीरियर सिमिलरली जो आपके इन लाइन्स के बाहर वाले एंगल्स हैं बाहर वाले एंगल्स हैं तीसरा एक्सटीरियर पार्ट दैट आर नोन एज एक्सटीरियर और जो अंदर वाले एंगल्स हैं दैट आर नोन एज इंटीरियर ओके तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं एक्सटीरियर एंगल बताइए कौन से बाहर वाले एंगल है लाइन्स के बाहर वाले बताइए वन टू एट सेवन तीसरा एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स ओके नाउ व्हाट आर इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स कौन से इंटीरियर एंगल्स जो लाइंस के अंदर वाले एंगल्स तो लाइंस के अंदर कौन से एंगल्स हैं फोर थ्री फाइव एंड सिक्स डीज आर फोर एंगल टैटा टाइटा फॉर्म इन द लाइन तो सिंपल वर्ड्स में जो लाइन के बाहर होंगे एक्सटीरियर पार्ट में होंगे आर एक्सटीरियर एंगल और जो लाइन के अंदर वाले पार्ट्स में होंगे आर इंटीरियर एंगल ओके अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ड पहले इंटी एक, हमने एक्सटीरियर इंटीरियर वर्ड समझ लिया ना वॉट इज ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेट का मतलब है सपोज आपके लाइन से और ट्रांसफर्स चलें ऑल्टरनेट का मतलब है हमेशा आपके एंगल अपोजिट फेज होगा अपोजिट फेज का मतलब एक लेफ्ट में एक राइट right में ऑल्टरनेट होगा देखिए जेड बनेगा ये आप देख रहे हैं जेड बन रहा है ये जेड बन रहा है तो जेड के एंगल ऑल्टरनेट होगा एक लेफ्ट में डायरेक्शन और एक का राइट right में टाटा ऑल्टरनेट एंगल और हम ऐसे भी कह सकते हैं ये राइट में है तो ये एक लेफ्ट में दिस इज ऑल्टरनेट ओके और कैसे बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एक यहाँ है ठीक है और एक का डायरेक्शन राइट में ओके okay. और कैसे लिख कर सकते हैं एक डायरेक्शन यहाँ राइट में है तो एक लेफ्ट में बाहर की तरफ है ओके, तो ऑल्टरनेट का मतलब है आपके डायरेक्शन क्या होगा देखिए और आप जब ये नोटिस करेंगे तो आपका ये क्या बनेगा Z बनेगा ओके तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है चिन का फेस एक लेफ्ट में एक राइट में हो और क्या बनेगा Z बन रहा होगा आप ये ऐसे करके Z ओके तो चलिए ये ऑल्टरनेट हो गया और हमनेक्स्ट इंटीरियर का टर्म भी पढ़ लिया अब हमारा एंगल्स कैसे होते हैं देखिए कुछ टर्म हमारे इसमें यूज होते हैं अगर दो लाइंस पैलर होंगी तो कुछ टर्म्स हमारे इक्वल होंगी टर्म्स का मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं देखिए ऑल्टरनेट का मतलब जेड बन रहा हो एक्सटीरियर का मतलब लाइन्स के बाहर वाला हो तो लाइन्स के बाहर देखिए कौन से एंगल्स हैं वन टू एट सेवन है, One, two, eight, seven, है? ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं अब हमें पतााना है कि ऑल्टरनेट भी एक्सटीरियर तो ये है इनके हिसाब से वो ऑल्टरनेट भी होना चाहिए तो ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया था जेड पर नहीं का ठीक है तो ऑल जेड पर नए का एक्सटीरियर है तो बाहर वाले एंगल लगेंगे तो देखिए एक लेफ्ट में एक राइट right में तो देखिए ये अगर वन से स्टार्ट करे वन ये है ठीक है और इसका बाहर वाला एंगल क्या है देखिए सेवन है तो यानी कि वन का ऑल्टरनेट सेवन हो गया और अगर हम टू का देखें टू तो अगर राइट डायरेक्शन में तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन क्या है एट तो टू का ऑल्टरनेट एट है हमने यहाँ अंदर के एंकल नहीं किए बाहर के लिए पूछा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब बाहर के एंकल्साइड कर दिया ऑल्टरनेट का मतलब उनका जेड पन्नना चाहिए और ये देखिए उनका ये फेस अपोजिट होना चाहिए एक लेफ्ट में तो एक राइट में एक राइट में।, में तो एक लेफ्ट में अंडरस्टैंड सो वन ऑल्टरनेट है सेवन के और टू ऑल्टरनेट है एट के दीज आर एक्सटीरियर

सिक्स ये हो गया आपके इंटीरियर अब आपको ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट में अगेन वही बात आपको देखने है। Z बने और आपका Z बनने के साथ वो आपका अपोजिट फेस होना चाहिए लेफ्ट राइट तो फोर सिक्स का थ्री फाइव का ऑल्टरनेट ओके सो और ये आप देख रहे हैं जेड बन रहा है जेड जेड आप देख सकते हैं ओके okay? तो आप ये देखिए आपका तो हमने क्या पढ़ा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल इफ द लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ठीक है तो अगर कोई दो लाइंस इक्वल है पैरेलल है तो और वो ट्रांसोस से कट करिए तो फर्स्ट क्या कंडीशन हो होना चाहिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है उसमें ओके आप देखिए आगे बढ़ते हैं ऑड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम इज़ विद इवन पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स अब देखिए पहले अब आगे बढ़ी हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू पैरा लाइंस कट पाया था ट्रांसवर्सल ठीक है तो लाइंस ट्रांसवर्सर्स से तो हम अब देखते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट को एक्सटीरियर से इक्वल करेंगे इंटीरियर को इंटीरियर से अब देखिए सबसे पहले आ जाइए इंटीरियर पे तो थ्री किसके इक्वल होगा सिक्स के फोर किसके इक्वल होगा फाइव के

एक साइड में देखना है या तो लेफ्ट में देखिए सारे एंगल्स या राइट right में देखिए ओके okay. और अल्टरनेट में हम अपोजिट देखते थे रेड देखते थे ठीक है उनका फेस अपोजिट देखते थे अब देखिए ध्यान रखना पहले आप सिर्फ लेफ्ट साइड में देखिए कौन कौन सा एंगल आ रहे हैं वन फोर फाइव एट ठीक है one, four, five, eight, तो आप हम पहले यहाँ से ही देखेंगे अब मैंने आपको बोला था एक एंगल छोड़ते हैं बीच में सिर्फ अभी हमने सिर्फ लेफ्ट में देख रहे हैं तो अगर हम वन से स्टार्ट करते तो वन से स्टार्ट के एक एंगल कौन सा बीच में चाहे फोर तो वन इक्वल हो गया फाइव के आगे बात समझ में अगर अब हम फोर से स्टार्ट करें तो फोर यहां आ गया एक एंगल बीच में छोड़ो बीच में एक एंगल छोड़ना है फाइव को छोड़ो तो एट तो एन की वन इक्वल है फाइव के फोर इक्वल है एट के अंडरस्टूड चलिए एक एंगल छोड़ना है आपको चलिए अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं राइट हैंड साइड में आप देखिए कौन से फोर एंगल्स हैं टू थ्री सिक्स सेवन ओके अब हम राइट हैंड साइड आपको ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में देखना है सेम साइड एक एंगल छोड़ना है टू सिक्स की इक्वल अब आपको क्या करना है थ्री थ्री है तो थ्री के बाद एक एंगल छोड़ो सिक्स छोड़ो थ्री, थ्री, थ्री। सेवन के इक्वल ओके अंडरस्टेंड सो वी है सेम साइड ऑफ द

we will learn in the next video so in this video we have learned about exterior angles interior angles alternate and corresponding angles and parallel lines we have learnt and other terms we will learn in next video thank you